Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं सबसे पहले तो यहाँ पर सामने जितने भी खड़े लड़के हैं, अगर वो मजलिस वाले हैं तो बैठ जाएं। और जो बीच में गुच्छा खड़ा हुआ है समझ जाइए बाहर के आए हुए हो, वो भी बैठिए। आप बैठिए और मुझे ऐसा लगेगा कि मैदान साफ है तो चौके और छक्के मारने में थोड़ा आसानी रहेगी। मैं यहाँ पर भैया एक कोई मत आने पीछे। मैं यहाँ आने से पहले खुलिया के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SP साहब विश्वास पांडे साहब के पास सीधा मैं गेस्ट हाउस के ऊपर गया और वहां जाने की वजह ये थी कि कुछ देर पहले जो खामोश नहीं बैठेगा मैं समझूंगा किराए के आए हुए हैं। मैं SP साहब के पास जाने की वजह ये थी कि ऐसे जलसे तो होते रहेंगे लेकिन कुछ देर पहले मेरे पास कुछ बुजुर्ग लोग आए जिसमें एक बराबर से चल नहीं सकते, एक ऐसा शख्स जिसने आकर मुझे ये बताया कि उसकी एक बेटी 19 साल की बच्ची जो गतिमंद थी, जो बराबर से बोल नहीं सकती थी, जिसे समझ में नहीं आता था वो क्या कर रही है, पूरे 26 दिन पहले इस बच्ची का खत्म हुआ, उसकी लाश यहां से कुछ किलोमीटर दूरी पर एक तालाब के किनारे मिली। उस लड़की के बाप ने मेरे सामने ये गुहार लगाई और उन्होंने कहा कि हमारी पैरवी कोई नहीं कर रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। एक 19 साल की बच्ची, उसकी लाश मिलती है और अगर उस बाप का उसके घर वालों की अगर कोई पैरवी नहीं कर रहा है तो मैंने कहा कि ये जलसे में मैं आऊं ना आऊं, अगर मैं खुलिया में आया हूं तो मेरी पहली जिम्मेदारी यह है कि उस बाप को अपनी बच्ची के लिए इंसाफ दिलाऊं। इसीलिए यहां आने से पहले मैंने SP साहब से कहा कि आप से मुझे मिलना है। SP साहब ने कहा कि वो किसी एक प्रोग्राम में है। मैंने कहा मैं आपके दफ्तर आ रहा हूं, मुझे आज से फौरन एक अहम मुद्दे के ऊपर बात करनी है। मैं विश्वास पांडे साहब के पास गया और उनको ये कैफियत बताई कि क्या वजह है कि एक 19 साल बच्ची की लाश मिलती है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। आखिर कौन है उसके कातिल, किस हालात में वो बच्ची की बॉडी मिली है, इसके बारे में किस तरह का और कैसा इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुआ है, यह आप हमें बताएं। विश्वास पांडे साहब जब पुणे में ट्रैफिक के DCP थे उस वक्त
मैं पुणे में एक पत्रकार की नौकरी करता था, इसलिए विश्वास पांडे साहब भी जानते थे कि मैं अगर आमदार बना हूं तो आज जिन मुद्दों को मैं लेता हूं, मैं जब पत्रकार था तो इससे ज्यादा खतरनाक पत्रकार हुआ करता था। उन्होंने मुझे पूरी जानकारी दी और हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये केस बहुत जल्द सॉल्व होगा, और अगर नहीं सॉल्व होता है तो दूसरी बार फिर से आऊंगा, सिर्फ इस केस की खातिर मैं दुनिया में आऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए जिम्मेदारी है कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन एक सियासी जमात का नाम नहीं है, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन सिर्फ सियासत करती है ऐसा नहीं है। हम मजलूमों की, हम जो लोग परेशान हैं उनकी आवाज है, इसीलिए यह हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जहां कहीं पर भी हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी होती है, जुल्म और ज्यादती होती है, हम वहां पर जाते हैं। और मैं समझता हूं कि उस बात की कैफियत सोचिए जिसकी 19 साल की बच्ची का खत्म हुआ है, इतने दिन हो गए हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, मैं इस ऑफिसर को अच्छी तरह से जानता हूं और उन्होंने भी मुझे ये यकीन दिलाया है कि जो कोई भी इसके पीछे रहेगा, जो कोई भी जिम्मेदार रहेगा, हम उसे बख्शेंगे नहीं। मैं आप लोगों को ये आज कहने के लिए आया हूं कि मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत को तू जिल्लत से निकाल, हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। मेरे भाइयों, अगर आज हम पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने में जाते हैं तो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि ये कौम अब हाथ फैलाए, अब ये कौम के अंदर ऐसी ताकत आए कि अगर कोई आंख में आंख मिलाकर बात कर रहा है तो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने एक ऐसा जज्बा पैदा किया है मुसलमानों में, दलितों में, बहुजनों में, कि अगर आज इनके साथ कोई नाइंसाफी होती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमको सिखाया है सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करके कैसे चलना चाहिए। ये हमें ताकत बख्शी है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने। ये सही बात है कि कुछ महीनों के बाद धुलिया के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। आज 2 अक्टूबर को जो औरंगाबाद में हमने एक तारीख दर्ज कराई है, हमारे दलित समाज के, बहुजन समाज के, हमारे जो लोग आदिवासी कोली समाज के जो लोग यहां पर स्टेज के ऊपर मौजूद हैं, वो इस बात की गवाही देंगे कि 2 अक्टूबर आज तक हम इस बात के लिए जानते थे कि 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है, लेकिन 2 अक्टूबर को इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि इस राज्य के अंदर मुसलमानों की, दलितों की, बहुजनों की एक ताकत अपनी सत्ता हासिल करने के लिए
जो शुरू हुई थी वो मेरे अपने शहर औरंगाबाद से 2 अक्टूबर के दिन हमने शुरू किया है। और यकीन मानिए, आपने देखा है हमारे बहुत भाई जो यहां से आए थे, बहुत सारे नौजवान भी उस जलसे में शरीक हुए थे। एक तारीखी जलसा था। और उसके बाद पिछले 2-3 दिनों से हर टेलीविजन चैनल के ऊपर बस इसी बात की बहस छिड़ी हुई है। इज्जत मान जनाब बाबा साहेब अंबेडकर जी या असद अवैसी साहब के आस पास कैसा चले गए, ये गठबंधन कैसा हो गया। ये गठबंधन इसलिए हुआ कि पिछले 70 सालों से अगर कोई 2 कौमों का इस्तेमाल किया गया है सिर्फ इलेक्शन के दौरान, आपकी यह जिम्मेदारी कि बस वोट देते रहो और सत्ता में वो जाकर बैठेंगे। मुसलमानों का काम, दलितों का काम, आदिवासी कोरी समाज का, बहुजन समाज का कोई काम था तो बस यही था कि सत्ता में वो बैठेंगे लेकिन वोट आपके रहेंगे। पिछले 70 सालों से इनकी बारात निकलती थी, घोड़ी इनकी होती थी, दूल्हा भी यही बनते थे और हम लोग उन बारातों के अंदर नाचने के लिए जाते थे। 70 सालों से हम यही कुछ करते आए हैं। 2 अक्टूबर के बाद, और हम आपको पूरा यकीन देते हैं, 2019 में आओ, 2019 में दूल्हे भी हम ही बनेंगे, बारात भी हमारी ही निकलेगी। और उन लोगों को ढोलकी बनाने के लिए बुलाया जाए। मेरे भाई में लेकिन ये कब मुमकिन होगा, ये कैसे मुमकिन होगा? लोग तो ये कहते हैं कि नहीं साहब, ये तो गठबंधन बन गया है, ये तो शुरुआत से ही कहते हैं कि अवैसी साहब जो आए हैं वो सिर्फ भाजपा को मदद होगी उनके आने से। हमको ये बोला जाता है कि ये जो गठबंधन बना है ये भाजपा की बी टीम है। हमने ये कहा कि अब तुम हमको बी बोलो, सी बोलो, डी बोलो, इस राज्य के अंदर अब सिर्फ एक ही टीम रहेगी और वो रहेगी अंबेडकर साहब की टीम रहेगी, वो हमारा नेता रहेगा। अवैसी साहब को हमने कहा, अवैसी साहब आप अकेले पार्लियामेंट के अंदर रहते हैं, आपको बड़ा अकेलापन महसूस होता होगा। इंशाल्लाह 2019 में बहुत सारे साथी हम आपको पार्लियामेंट के अंदर भेजेंगे, आपका अकेलापन दूर करेंगे। और वो मंजर सोचो कि अगर एक अवैसी इतनों की आंख को चुपता है, अगर हमें और 1-6-8 भेज डाले तो क्या हाल होगा सोच लिया। कोई नाम नहीं लेगा कि कौन आया। आज अवैसी साहब अगर आते हैं तो एक नारा लगाया जाता है, कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया। अगर गलती से नरेंद्र मोदी तेरी सरकार तो बनेगी नहीं 2019 में इंशाल्लाह, लेकिन अगर तेरे कुछ खासदार वहां पे रहेंगे और जब वो देखेंगे इतने सारे हरे नीले और पीले
पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं तो वो एक दूसरे से पूछेंगे कौन है कौन है। उसको बहुत सालों तक अरे डरे लत्थू खैरे के लिए काम किए हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ताकत हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। बड़ा हमको इल्जाम लगाते हैं इनके आने से ऐसा होगा, इनके आने से इसको फायदा होगा, इसको नुकसान होगा। हमने 70 सालों तक तुम्हारे ही फायदे के बारे में सोचा है और इन 70 सालों के अंदर हमने अपना इतना नुकसान कर चुके हैं, हम इतने पीछे रह गए हैं कि 70 सालों के बाद आज पहली मर्तबा हम खुलेआम ये कह रहे हैं कि अब हम अपने घरों के फायदे और नुकसान का नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ हमारा फायदा कैसा होता है हम ये देखने वाले हैं। बहुत हमने अपने घरों के लिए और किस बात की फिक्र है। कांग्रेस के एक बड़े नेता महाराष्ट्र के सदर नांदेड़ से आते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं हम प्रकाश अंबेडकर साहब के हम साथ जाएंगे लेकिन अवैसी को खरीद नहीं करेंगे। अगर तेरे पास आया कौन मांगने के लिए, अगर तुम हमारे साथ इंसाफ करते तो मजलिस से इत्तेहाद और मुस्लिम को महाराष्ट्र के अंदर जगह ही नहीं मिलती। और यकीन मानिए तुम जो ये कहते हैं ना कि हम अवैसी को नहीं लेंगे, उनका कहने का मतलब ये है कि हम इनके कौम के वोट लेंगे, मुसलमानों के वोट लेंगे हम, लेकिन इनकी खयाजत नहीं लेंगे। ये कितने शर्म की बात है मेरे लिए आपके लिए कि इस मुल्क का सबसे बड़ा ऐवान जो है वो पार्लियामेंट है और पूरे महाराष्ट्र से एक भी ऐसा मुसलमान एमपी ये तमाम सेक्युलर पार्टीज चुनकर नहीं लाती है। यानी कि इसका मतलब यही है कि तुम्हें वोट चाहिए, हमारे वोट चाहिए, लेकिन ऐवानों के अंदर हमारी नुमाइंदगी नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कुछ कॉरपोरेटर्स बना देंगे, कुछ जिला परिषद के अध्यक्ष बना देंगे, बस यहीं तक। आमदार नहीं, खासदार नहीं, एमएलए नहीं, एमपी नहीं, इसी का वजह है कि जब पार्लियामेंट के अंदर हमारे शरीयत के बारे में जब फैसला लिया जाता है, ये फैसला लिया जाता है कि अब शरीयत के कानून को भी बदल देंगे, तो वहां पर दूसरे अलग अलग पार्टियों के एमपी मुसलमान होने के बावजूद भी कोई एक जना भी खड़े रहकर ये नहीं कहता कि ये मेरे मजहब का कानून है, ये इस्लाम का कानून है, इसे हम बदल नहीं सकते। अगर पूरे 550 के करीब एमपी एक तरफ हो जाते हैं और वहां पर सिर्फ एक ही शख्स शेर की तरह खड़े रहकर ललकारता है और ये कहता है कि मेरी कुर्सी चले जाए कोई फर्क नहीं, मेरी शरीयत के अंदर मैं मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वो शख्स मेरा खैर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। मैं आज वो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो कहती है कि हम एमआईएम को खरीद नहीं लेना चाहते, कांग्रेस पार्टी औरंगाबाद के अंदर जिला परिषद में शिवसेना के साथ गठबंधन करती है,
विदर्भा के अंदर राष्ट्रवादी और भाजपा एक साथ मिलकर लड़ते हैं, लेकिन हमें इस तरह से देखा जाता है, ये मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, तो क्या दहशतगर्द है हम, आतंकी है हम? अगर इस मुल्क के अंदर यादवों की पार्टी है, यादवों के लीडर है लालू प्रसाद, मुलायम सिंह, अगर सिखों की पार्टी है अकाली दल, अगर मराठाओं की पार्टी है उनका लीडर है शरद पवार, क्या वजह है? अगर चार मुसलमान जमा हो गए असद अवैसी के नाम के ऊपर तो पूरे मुल्क में खलबली मच जाती है, सभी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जिन लोगों ने ये कहा है कि हम मजलिस को खरीब नहीं कर सकते, इस शहर के इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कांग्रेसी होंगे, जो घड़ी वाले होंगे, ये देखने के लिए आए होंगे कि कितनी भीड़ जमा होती है, तो देख लो कितनी भीड़ जमा होती है। और मैं तो मजलिस का अपना सा सिपाही हूं, वो मंजर भी देखो जिन इलेक्शन यहां पर होंगे, और तुम्हारा बाप आएगा हैदराबाद से, वो मंजर भी याद करो। या अकेली ऐसी पार्टी है, ये इतना हुजूम, इतनी भीड़ जो जमा हुई है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं यकीन के साथ ये कहता हूं, यहां पर एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसको गाड़ी में भर कर लाया गया है या पैसों से यहां पर लाकर बिठाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबर अवैसी के नाम के ऊपर जमा होने वाली है। और मैं जब नारा लगाऊंगा तो दोनों हाथ ऊपर करना, नारे तकबीर, नारे तकबीर, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब यह वीडियो डालने को जरूर को जरूर भेजाना। एक बात आज आप लोगों ने तय कर दी है। देखिए मैं खुद अपना किस्सा सुना था, अरे बैठिए, रिकॉर्डिंग बहुत बाकी है भाई। एक बात 2014 के अंदर, 2014 के अंदर जब मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के अंदर कदम रखी और मैं औरंगाबाद से इलेक्शन लड़ने का जब मैंने फैसला किया, तो यकीन मानिए मैं जब औरंगाबाद से मजलिस के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि अब ये MIM आई है, ये MIM आने से इसका फायदा भाजपा को होगा, इसका फायदा शिवसेना को होगा। बहुत सारे अपने जो मुसलमान अपने आप को बहुत बड़े होशियार और दानशूर समझते हैं,
اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں وہ بھی یہ نوجوانوں کو گمراہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں دیکھیے یہ مجلس آئی ہے مسلمانوں کے ووٹ کٹیں گے بٹیں گے اور اس کا سیدھا فائدہ مجلس کو ہوگا. تو جب ہم لوگوں کے بیچ میں گئے ایسی ہی ہجوم ہوا کرتا تھا, ایسی ہی بھیڑ ہوا کرتی تھی. ہم نے لوگوں سے صرف ایک بات کہی, ہم نے لوگوں سے یہ کہا کہ 27 سال 27 ایئرز اورنگ آباد شہر میں ہر ودھایک ایم ایل اے کا الیکشن شیو سینا جیت کے آتی تھی. 27 سالوں سے شیو سینا کا بھگوا جھنڈا وہاں پر لہراتا تھا. ہم نے لوگوں سے یہ کہا کہ ایک بار متحد ہو جاؤ, ایک بار ایک پلیٹ فارم کے اوپر آؤ. یہ مت سوچو کہ جیت اور ہار کس کی ہوگی, پوری ایمانداری کے ساتھ محنت کرو, کوشش کرو. ہم ہماری ایک چہیتی کا ثبوت دے. ہم نے یہ لوگوں سے کہا کہ اگر 50,000 60,000 ووٹ لے کر ہم ہار بھی جاتے ہیں تو یقین مانو اس ہار میں بھی ہماری جیت رہے گی, کیونکہ ہم نے قوم کو متحد کرنے کا کام کیا. دوستو, کسی نے کہا یہ شخص 5,000 ووٹ لے گا, کسی نے کہا 10,000 ووٹ لے گا. ہم نے قوم کو کہا ایک دھکا لگاؤ تو صحیح, ایسا دھکا لگائے 27 سالوں کے بعد میرے خلاف تین آمدار تھے, تینوں سٹنگ ایم ایل اے کانگریس کی طرف سے مسلم سٹنگ ایم ایل اے, شیو سینا کی طرف سے سٹنگ ایم ایل سی, بھاجپ کی طرف سے سٹنگ ایم ایل سی. تین الگ الگ پارٹیوں کے تین سٹنگ ایم ایل اے جو اس وقت ایم ایل اے تھے وہ میرے خلاف. لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہوگا اتنے بڑے بڑے دگج. میں تو پترکار تھا, 22 دن پہلے اورنگ آباد شہر میں آیا, لوگوں نے کہا, ہم نے خود نے طے کیا کہ نہیں, ہماری قیادت ہم کو زندہ کرنی پڑے گی. ہم نے لوگوں سے اپیل کی ایک دھکا لگاؤ تو صحیح. الحمدللہ ایسا دھکا لگائے کہ 27 سالوں کے بعد شیو سینا کو وہاں سے ہم نے اکھاڑ پھینکا اور ہرا جھنڈا ہمارا ہاتھ میں. ہم نے وہاں پر 27 سالوں کا شیو سینا کا ہر 5 سال کے بعد. دوستو, جب ہم لوگوں کے بیچ گئے تو ہم نے ایک بات لوگوں کو ضرور سمجھائی ہے اور وہ بات ہم آپ کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں. کوئی ہارے گا, کوئی جیتے گا, لیکن اس ملک کے اندر اگر آج سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہماری اپنی قیادت زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آج ہم لوگ ایوانوں کے اندر نہیں پہنچ پا رہے, ہم ایم پیز نہیں جتا پا رہے, ایم ایل ایز نہیں بنا پا رہے, تو ایک بات میں سچائی کی کہتا ہوں, جو میرے شہر میں ہوتا تھا وہ آپ کے شہر میں بھی ہوتا ہے, مہاراشٹر کے ہر ایسے شہر کے اندر ہوتا ہے. میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو کبھی غیروں نے نہیں ہرایا ہے, مسلمانوں کو ہمیشہ مسلمانوں نے ہی ہرایا. مسلمانوں کو ہمیشہ مسلمانوں نے ہی ہرایا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے. میں نے دلت بھائی کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں
کیا دلتوں کی بہوجنوں کی خیانت نہیں ہے تو کسی خیر کو ذمہ دار مت بنائیے. تمہاری قوم ہماری قوم خود اس کے لیے ذمہ دار ہے. کیسے؟ الیکشن کا وقت آیا, میرے شہر میں ایک نیتا نے کہا تھا یہ قوم کو میں بریانی کے اندر خرید سکتا ہوں. دوستوں یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ ہم کو سوچنے کی بات ہے, یہ حقیقت ہے کہ الیکشن کے وقت اس قوم کو بانٹا جاتا ہے, بکھیرا جاتا ہے, اور سچائی یہ ہے کئیوں کو خریدا جاتا ہے. کتنے پیسے ایک ایک ووٹ کے, 500 روپیے, 1000 روپیے, 2000 روپیے, اس سے زیادہ تو نہیں. دل پہ ہاتھ رکھو اور پوچھو کہ یہ 1000 2000 روپیے کتنے دن میرے کام آئیں گے. دوستوں جب میں الیکشن کے اندر گیا, ایک راشٹروادی کانگریس کا کینڈیڈیٹ ایک غریب بستی کے اندر گیا, اور غریب بستی مطلب غریب بستیاں اس ملک کے اندر بنتی ہے تو صرف دلتوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بنتی ہے. چوپڑ پٹیاں اگر آج بنتی ہے, کہیں پر بھی چلے جائیے وہاں پر دو ہی قومیں نظر آتی ہے, ایک دلت سماج ملے گا جھوپڑ پٹیوں میں اور ایک مسلمان. ایک غریب بستی میں الیکشن سے 2 دن پہلے وہ کینڈیڈیٹ گیا, نوجوان لڑکوں کو اکٹھا کیا اور ان کو ان میں کا جو ایک لیڈر تھا اس کے ہاتھ میں 1 لاکھ روپیہ رکھا اور کہا کہ یہ پیسے رکھو, میں اور پیسہ تمہیں دوں گا. بہت عام بات تھی, وہ اتنی غریب بستی تھی کہ ایک ایسا گھر نہیں تھا جو عالیشان, ہر گھر میں ہر مرد دن میں روزی روٹی کمانے کے لیے جاتا تو شام میں اس کا گھر کا چولہا جلتا. اتنی غریب بستی تھی, 1 لاکھ روپیے وہ جتنے بھی نوجوان لڑکے تھے, مجھے معلوم ہے کہ ان کے لیے یہ رقم کتنی بڑی تھی. دوستوں لیکن ان نوجوانوں کے اندر ایک لڑکا تھا, وہ کھڑے رہا اور اس نے کہا کہ میرے بھائیوں یہ میرے آٹو رکشہ کی چابی ہے, یہ میرا آٹو رکشہ لے لو, یہ آٹو رکشہ بیچ دو اور جتنا بھی پیسہ آتا ہے تم لوگ رکھ لو, یہ پیسے کو ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ ہم نے مجلس کو زبان دی ہے کہ مجلس کو ہم جتائیں گے, یہ پیسہ واپس کر دو میرے بھائیوں, یہ رکشہ میرا بیچ دو, یہ پیسہ تم رکھ لو. یہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم جیت کر آئے. دوستوں اس جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں. آج بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی مجلس میں آنا چاہتے ہیں. آج کے بعد تو بہت سارے کہیں گے کہ آنا چاہتے تھے. ایک صاحب نے کہا میں کوشش کر رہا ہوں, کانگریس کا مل گیا تو ٹھیک, نہیں ملا تو میں بولا تو بولے نہیں جیسا, میں بولا الحمدللہ اب ہم زمین پر پھینکے ہوئے تھوک کو چاٹنے والے نہیں. اگر آنا ہے تو آ جاؤ, اگر یہ سوچیں گے کہ یہاں نہیں وہاں نہیں تو مجلس ہے, مجلس الحمدللہ اب اتنی طاقتور ہے کہ تمہارا حال ہم کیا کریں گے یہ سوچو. جلگاؤں کا الیکشن ہوا, یہاں پر لوگ کہتے ہیں
कि अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग आएंगे और कहेंगे कि नहीं मजलिस अब फिनिश खत्म खलास। तो जलगांव का इलेक्शन अभी हुआ, कांग्रेस राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी तीनों ने मिलके एक बड़ा महागठबंधन नाम दिया उसका, महागठबंधन कांग्रेस राष्ट्रवादी समाजवादी। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन वहां पर गई, करीब 55 सीटें थी वहां के नगर परिषद, 57 सीटें थी, 75 सीटें, तो 75 सीटों के ऊपर ये महागठबंधन। कौन सा गठबंधन? महागठबंधन 75 सीटों पे लड़े, मजलिस गई। हमने सोचा कि नहीं, हमारे इलाके जितने हैं हम वहां पर लड़ेंगे, तो हमने 6 सीटें लड़े। अब बड़ी बड़ी तकरीरें चल रही, बोले मजलिस का तो डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगी। गणित बता रहे हमारे को, हम 75 लड़े, बोले 40 तो आ जाएंगे। दूसरा बोला कि नहीं 40 नहीं, 45 तक आराम से आते हैं। अब हम मुखलिस सर झुकाए हुए लोगों के बीच में गए, 6 सीटें लड़ रहे थे। नतीजा जब आया तो 6 में से 3 सीटें मजलिस जीती है वहां पर, और चौथी सीट हम 100 का डिफरेंस था उससे हारे हैं। महागठबंधन, बहुत महागठबंधन, 75 सीटें लड़े तो कितने जीते? अंडा जीरो, वो जीरो हो गए, हम जीरो हो गए। अब यहां पे भी आएंगे, अब बोलेंगे क्या है मजलिस का, क्या है मजलिस का, क्या है यहाँ पे, क्या है मजलिस का। अरे यहाँ की फिजाओं में मजलिस है मेरे भाई, शाहरुख खान का एक डायलॉग था, यहाँ की हवा में मजलिस है मेरे भाई। मैं तो वो मंजर सोच रहा हूं कि अगर इम्तियाज जलील के आने पे ये हाल है, अकबर अवैसी जब आ रहे हैं, क्योंकि अगर मजलिस के लिए इतनी दीवानगी है तो इंशाल्लाह असद अवैसी अकबर अवैसी भी जरूर आएंगे। आज मुल्क के हालात कैसे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा, आज वक्त की जरूरत यही है कि हमको अपनी खयादत जिंदा करनी पड़ेगी, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। यहाँ पर ये जो हुकूमतें हैं वो ये समझ रही है कि अब हम लोग आ गए हैं तो जाने वाले नहीं है। एक बात समझ लीजिएगा, मोदी को ये समझाने के लिए आए हैं कि तू भी जाने वाला है, हमारा नंबर आने वाला है, दोबारा यहाँ पर आऊंगा और इंशाल्लाह आप लोगों से और ज्यादा गुफ्तगू करेंगे। एक बार जाते जाते नारा ऐसा लगाइए कि पूरी दुनिया के